इस वीडियो में हम आप लोगों को ए और बी से स्टार्ट होने वाले यंत्रों के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यंत्र है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र है। यह संधारित्र मतलब कैपेसिटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। एक्यूमुलेटर का चित्र दिया गया है। दूसरा यंत्र हम बता रहे हैं आपको, एटमोमीटर। एटमोमीटर क्या करता है? यह वाष्पीकरण मापी यंत्र है। चित्र में आपको दिखाया गया है, यह क्या करता है? वाष्पीकरण का माप करता है। तीसरा आपको हम बता रहे हैं, एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? यह गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर और त्वरण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चौथा उपकरण है आपका एरोमीटर। एरोमीटर क्या करता है? यह वायु व गैस का भार व घनत्व नापने वाला यंत्र है। ये आपको चित्र में हमने दिखाया है, जो दिख रहा है डिजिटल एरोमीटर का चित्र है। अगला यंत्र है आपका एक्टिनोमीटर। यह क्या करता है? यह सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको चित्र में इसको दिखाई दे रहा होगा। अगला यंत्र है एंटीनोमीटर। एंटीनोमीटर क्या करता है? यह सौर विकिरण मापी यंत्र है। सौर विकिरण मापी यंत्र है। अगला है एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर यह बहते वायु की गति व शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला यंत्र है अमीटर। इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं, खूब पढ़ते हैं। यह विद्युत धारा की तीव्रता नापने वाला यंत्र है। अगला यंत्र है इसी में एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है? ये किसी कमरे के ताप, आर्द्रता व हवा की गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। अगला यंत्र है एपिस्कोप। एपिस्कोप का क्या कार्य है? यह अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला यंत्र है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है? यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने का यंत्र है। इसके बाद है अगला ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का काम है ध्वनि की तीव्रता मापना, या ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट उपकरण है ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप का क्या काम है? या कान के आंतरिक भागों की जांच करने के काम आने वाला उपकरण है। ये हुए आपके ए से स्टार्ट होने वाले कुछ उपकरण। अब शुरू करते हैं बी से शुरू होने वाले उपकरण। तो बी से पहला उपकरण हम बता रहे हैं बैरोग्राफ। बैरोग्राफ, इसे वायुदाब लेखी भी कहते हैं, या वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र है। दूसरा उपकरण बी से शुरू होने वाला बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? यह वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का क्या काम है? यह दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है। तीसरा है बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स क्या करता है? यह गोलीय वस्तुओं का व्यास व गहराई नापने वाला यंत्र है। एक इसी लाइन में और बता रहे हैं बोलोमीटर। यह बड़ा संवेदनशील यंत्र है। यह ऊष्मी विकिरण या वैद्युत चुम्बकीय विकिरणों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये हुए आपके बी से शुरू होने वाले यंत्र। अब आप अगर आगे आपको वीडियो अच्छा लगे तो जेड तक इसी प्रकार सारे यंत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक्स। लास्ट तक वीडियो